अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पंजूर की बड़िया। इसके लिए मैंने एक बाटी गेहूँ का आटा, खजूर, पीसे से खोबरा सूखा, खसखस, गोंद, घी, इलायची पाउडर, बादाम, काले किशमिश और गुड़। कढ़ाई में खसखस को भून को लेने का। और कढ़ाई के अंदर 3 चम्मच घी डालने का। घी गर्म होने के बाद गोंद को तल को लेने का। इस तरह से। और खोपरे को भी थोड़ा भून को लेने का, थोड़ा सा लाल कर को लेने का। 1 चम्मच घी डालने का। इसमें गेहूं का आटा डालकर उसे अच्छी तरह से लाल कर को लेने का आटे को, गेहूं के आटे को। बादाम आयो और इसकी पाउडर बना को लेने का इस तरह से। और इसे भी थोड़ा भून को लेने का। एक किशमिश को दरदरा पीस को लेने का मिक्सर के पॉट में। और 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छी तरह से भून को लेने का किशमिश को। और इसका भी दरदरा पेस्ट बना को लेने का। एक खजूर है कच्चा और इसे खलबत्ते में कूट को लेने का, इसका पेस्ट बना को लेने का। ऐसे अभी वाटी में निकालने का ये पेस्ट को और गुड़ को पूरा फोड़ को लेने का। कड़े में अभी गुड़ को डालने का और गुड़ को थोड़ा मेल्ट कर को लेने का, थोड़ा पानी डालकर इस तरह से। अभी गोंद को पूरा बारीक पाउडर बना को लेने का। फिर इसके अंदर गेहूं का आटा भुने हुआ डालने का, पूरा मिक्स कर को लेने का। सूखा हुआ नारियल खोबरा डालने का। बादाम की पाउडर डालने का। खसखस डालने का। किशमिश भी डालने का। और खजूर का भी पेस्ट डालने का। पूरा मिक्स करके लेने का एकदम। इलायची पाउडर डालने का। अभी मेल्ट हुए गुड़ को डालने का। इसे पूरा मिक्स करके लेने का। थोड़ा घी डालने का 1 चम्मच। और एक प्लेट में पूरा थपट को लेने का। ऊपर से बादाम और किशमिश की गार्निश करने का। और कढ़ाई में थोड़ा सेट होने के लिए रखने का इस तरह से। और इसके चौकन चौकन बढ़िया बनाने का, एकदम टेस्टी बनते हैं ये। ज़रूर ट्राई करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़रूर बनाओ।